मैक्सवेल के आने से जाना पड़ेगा बाहर, शहबाज अहमद या हर्षल पटेल या अनुज रावत, किसको दिखाएंगे बाहर का रास्ता फाफ डुप्लेसी। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल की वापसी हो चुकी है आरसीबी में, वो राजस्थान के खिलाफ आपको खेलते हुए 99% दिखेंगे। हो सकता है मैक्सवेल अभी वो आराम करे, वरना इस मैच में 100% मैक्सवेल खेलते हुए आपको दिखेंगे राजस्थान के खिलाफ। लेकिन बाहर किसको जाना पड़ेगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्त अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको शहबाज अहमद की वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आप देख रहे हैं मेवाती क्रिकेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर शहबाज अहमद के बारे में बात करें तो शहबाज अहमद अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले मैच में भी शहबाज अहमद ने ताबड़तोड़ 27 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 3 ताबड़तोड़ छक्के मौजूद हैं। दोस्तों इस लिहाज से शहबाज अहमद तो बाहर होने वाले नहीं हैं। दोस्तों अनुज रावत की बात करें तो अनुज रावत ने कुछ बल्ले से दिखाए नहीं है। वहीं अगर बात देखें तो फाफ डुप्लेसी कप्तान अच्छे रन बना रहे हैं। दोस्तों मैक्सवेल की जगह किसको जाना है बाहर, आप कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं। फाफ डुप्लेसी तो जाने वाले नहीं है, वो तो टीम की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ बात करें तो रदरफोर्ड बाहर हो सकते हैं मैक्सवेल की जगह। वरिंदु हसरंगा भी अच्छा कर रहे हैं, डेविड विली भी। जी हाँ दोस्तों, डेविड विली, वरिंदु हसरंगा अच्छा कर रहे हैं, वहीं कप्तान फाफ डुप्लेसी भी अच्छा ले में नजर आ रहे हैं। अगर बाहर जाना पड़ेगा तो दोस्तों रदरफोर्ड को बाहर जाना पड़ेगा। जी हाँ, शेरफे रदरफोर्ड को टीम से बाहर जाना पड़ेगा मैक्सवेल के आने पर। दोस्तों मैक्सवेल जुड़ चुके हैं अपनी टीम आरसीबी से टाटा आईपीएल 2022 खेलने के लिए। ये फैंस को बड़ी खुशखबरी मिली है कि मैक्सवेल, शाहबाज, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाज अब आपके पास मौजूद है, तो आपकी बल्लेबाजी और बढ़ चुकी है मैक्सवेल के आने से। दोस्तों क्या आरसीबी राजस्थान से यह मैच जीत पाएगी, क्या शाहबाज अहमद इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और बॉलिंग से भी, क्या वो जॉश बटलर, संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन भेजेंगे, ये कमेंट करके अपनी राय जरूर देख सकते हैं। आप बने रहिए मेरे चैनल से जब तक मैं आपके लिए आऊं और न्यू वीडियो।